जब गांधी जी पहले साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे तो उन्हें किसी ने एडवाइस किया था कि आप पहले इंडिया को जानिए, तो उन्होंने पूरी इंडिया को छापा, मीन पूरी इंडिया को ट्रैवल किया था, सबसे लो थर्ड क्लास ट्रेन में ट्रैवल करके उन्होंने पीपल के कल्चर को समझा, कहाँ कहाँ के पीपल कैसे हैं, और नहीं ये जानने के लिए हमारे नेता प्राइवेट जेट से जाते तो हैं। हाँ प्राइवेट जेट से जाते तो हैं, लेकिन क्या हमारे एक्टिविस्ट जो हैं सिर्फ एक एरिया को एक एरिया को रह जा रहे हैं, लेकिन या पूरे देश को जाकर वो दे रहे हैं, और ऐसी एक समस्या बन रही है एक्टिविस्टों की जिनको बैलेंस्ड आउटलुक के जैसे कि आज के स्पीकर्स को है, और अगर ऐसा सिस्टम आना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, देखिए इसका 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 जवाब ये है कि अगर आपका मतलब निखिल डे से है तो वो जिस एरिया में काम करते हैं जाहिर है कि उसी तक सीमित रहेंगे, और बेहतर है कि वो उस तक सीमित रहें, पर उन पे ये जिम्मेदारी ना डालें कि आप बंगाल के प्राइमरी एजुकेशन के बारे में भी बोलें, वहाँ पे समझने वालों के लिए वहाँ के भी लोग हैं। अभी जैसे मैं 227वां वक्ता हूँ, तो अगर मंथन को आप कामयाब इसी तरह से बनाते रहेंगे तो उन सब जगहों से भी लोग आएंगे और आपको सुनने का मौका मिलेगा। तो जो एक्टिविस्ट आया है वो अपने जीवन का, अपने इलाके का अनुभव लेकर आया है, तो उसे आप सुनिए, उससे आप उस पर आप ये बोझ मत डालिए कि उसके पास पूरे भारत का अनुभव क्यों नहीं है। हेलो रविश जी, रविश जी। हाँ मैं देख रहा हूँ जी, कौड़ियों से करोड़पति तक, वो 14 अप्रैल के दिन अंबेडकर जयंती, और वो सिटी लाइट को जो बस रहो बंसल मेहता, तो ये रविश कुमार अभी हमको होना, वो रमेश कुमार कभी तो भी गुम हो गया ऐसा, वो इधर सामने खड़ा है, नहीं वो कहीं तो भी गुम हो गया लग रहा है, कैसे हो जाएगा? ऐसे भीड़ को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है, जो भीड़ ने अपने आंखों पे पट्टी बांध ली है। तो मेरा काम है बोलना जो मुझे मेरे हिसाब से सही लगता है, भीड़ ने कान बंद कर लिए हैं या आंखों पे पट्टी बांध ली है ये मेरी चिंता का कारण नहीं है। पर सर वो मैं वहां तक चिंता करूंगा कि किसी के कहने पे भीड़ मुझे मारने आ रही है, तब मैं चिंता करूंगा। जब तक नहीं आ रही है, मुझे बोलने दिया जाता है, मैं उनके नहीं सुनने के अधिकार का भी सम्मान करता हूं कि हाँ वो मुझे नहीं सुनना चाहते, ज़रूर वो मुझे नहीं पसंद करते हों, तो हो सकता है कि मेरी बात अच्छी नहीं हो और इसका मुझे सम्मान करना चाहिए। बहुत बारिश हो रही है बाहर। एक यहाँ से वन क्वेश्चन here, रवि सर, यहाँ यहाँ, हेलो सर, अभी आपकी बात की एंड में आप एक इशारा दे रहे थे, इन्वेंटो दे रहे थे कि कॉरपोरेट मीडिया खरीद रही, हम पीछे नहीं जाएंगे, हम काम करेंगे। एक अफवाह ये फैली हुई कि NDTV को BJP के कोई लोगों ने खरीद लिया है, तो अगर ये अफवाह सही है तो रवि जी नेक्स्ट स्टेप NDTV वाले बताएंगे ना, मैं वहां काम करता हूं, कंपनी थोड़ी चलाता हूं। नेक्स्ट स्टेप अगर ये अगर सच है तो क्या नया चैनल या नेक्स्ट चैनल क्या रहेंगे? नहीं नहीं मैं चैनल नहीं चला सकता भाई, मुझे पढ़ने का काम लिखने का काम दे दो, मैं वही कर सकता। नए चैनल में जाएंगे आप? उतना नहीं आ सकता। ओके थैंक यू। जोर से बोल दीजिए वहां से, कौन रखेगा हमको यार, बड़ा मुश्किल है हमको रखना। हेलो सर, सॉरी फॉर आस्किंग सच क्वेश्चन सर, इफ समथिंग हैपेंस टू यू हु विल बी रिस्पांसिबल? अरे यार ये सब मत पूछो, बुरी बुरी बातें यार, अच्छी अच्छी बातें कहो, क्या है यार, कुछ नहीं होगा आपके रहते हुए, और क्या आप नहीं है क्या? मेरे होने से पहले आपको कुछ हो जाएगा ये समझिए, और जब तक आपको कुछ नहीं होगा हमको कुछ नहीं होगा। आप बोलिए, आपके पास है। हेलो रवि जी, मेरा एक सवाल था कि अगर मीडिया को अगर कोई, जैसे कि आज के ज़माने में चल रहा है कि 95% मोर देन 95% ऑफ द मीडिया वो फेक न्यूज़ या झूठी न्यूज़ को जो फैला रही है, तो हमारे पास पैमाना क्या रहेगा कि हम उसको तय कर पाएं? क्योंकि अभी हम जैसे कोई एक न्यूज़ हो गई कि यूपी में कहीं एक गांव में इधर इधर कुछ भी हुआ, तो हम वहां पे जाके तो हर चीज को जांच नहीं सकते। बहुत मुश्किल है तो अंत में उनका पावर कम नहीं समझना चाहिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। अभी यूपी में ही कैराना को लेकर जिस तरह से खेल खेला गया भयानक था, वो झूठी सूचनाओं के आधार पे बहुत मुश्किल है, लेकिन हम डिमांड तो करें कम से कम कि आप क्या दिखाते हैं, लेकिन वो पैमाना क्या रहेगा? आप पैमाना तो आप बंद कर दीजिए, वो अखबार जो ऐसा करता है आप दूसरा अखबार ले लीजिए, अगले महीने तीसरा अखबार ले लीजिए, लेकिन हमारे पास तो पैमाना नहीं है कि हम डिसाइड कैसे करें। यही पैमाना है, आप लगातार देखिए, बिना संघर्ष के ये चीज आना नहीं आएगा नहीं। और देखिए फेक न्यूज के भी बड़े सारे ग्रेड हैं, एक तो जो सीधा सीधा फेक न्यूज है, एक वो फेक वो है कि
जो खबर आप एक तरह से सही है, जैसे सुनंदा पुष्कर वाली खबर, ठीक, तो वो खबर सही होगी, लेकिन आप घेर किसको रहे हैं, जो आरोपी है। अरे भाई, 4 साल 3 साल हो गया, पुलिस वाले से पूछोगे ना कि जो उसका अभियुक्त है, एक ही चैनल के 4 माइक घूम रहे थे, मैंने वीडियो में देखा कि देखिए वो किस तरह से एक ट्रेलर, जो एक ट्रोल है, एक टीवी चैनल भी आपके पीछे ट्रोल बनकर आ सकता है कि 4 माइक एक ही तरह का माइक लिए एक सांसद को घेर रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो ट्रोल बन रहे हैं ना, हम भी बन जा रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया में, जो नहीं बनना है। ये इस भाषा को, आज स्वच्छता अभियान का दिवस है, अगर इस भाषा को, इस टेंडेंसी को अगर हम नहीं मिटाएंगे तो कोई भी इसमें मारा जाएगा। सोचिए कितना भयावह है कि आपके आसपास 10 माइक हों और 10 एक चैनल के हों। कोई ऐसी डरावनी फिल्म देखी है? नहीं देखी ना, घर जाके यूट्यूब पे देखना, आपको डर लगेगा। तो वो सवाल किससे करना चाहिए था? पुलिस कमिश्नर से करना चाहिए था, जो जांच कर रहा है उससे करना चाहिए था कि तुम क्या जांच कर रहे हो अब तक। अरेस्ट करो ना, अगर कोई ऐसा किया तो अरेस्ट करो, उसी अभियुक्त से आप जा रहे हैं पूछने के लिए, कोर्ट है, कोर्ट तो नहीं है ना। जी यस मैम। रवि जी, थैंक यू सो मच, आपको मैं रेगुलरली टीवी पे भी देखता हूँ, एंड यू आर वन ऑफ दोज फ्यू जर्नलिस्ट जिसको फॉलो करने का मन करता है और करता हूँ। आपने फिलहाल कुछ समय पहले पोइट्री भी लिखी दिल्ली को और राशि को लेके, आफ्टर सीरियस डिबेट उससे एंड करेंगे तो अच्छा लगेगा। लिख के नहीं लाए यार, याद नहीं रहता है, मतलब मेरे पास है नहीं कुछ सर, मैं मोबाइल है, सुना सकता हूँ प्लीज आप फोन देख लीजिए। हाँ, मैं कैसे यहाँ से ले आऊँ, इसमें तो कहीं मिलता नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मीडिया की आजादी के लिए क्या मतलब होना चाहिए, व्हाट शुड बी द वे? देखिए, क्या कर सकते हैं, थोड़ा तो सतर्क रहिए, मतलब थोड़ा तो सतर्क रहिए कि ये जो डिबेट हो रहा है उस डिबेट के हिसाब से सही में आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। थोड़ा तो सतर्क रहेंगे ना, थोड़ा तो हम अपना दिमाग लगाएंगे ना कि रोज जाके उस तरह से कंज्यूम करते रहें, कितना जो फियरलेस, कितना बोलने के लिए है, जो लोग फियरलेसली फाइट भी करते हैं फिर भी वो चुप हो जाते हैं, क्यों? दूसरा बोलने आ जाता है फिर। एंड रियली द लास्ट क्वेश्चन नाउ, मुझे मिल नहीं रहा है, मैं कहां, आपने फंसा दिया मुझे, मैं आलोक जी का भी सवाल नहीं समझ पाया। और सर दीजिए दीजिए दीजिए, मैं पढ़ देता सर, एक छोटा सा सवाल है सर। जी मिल गया है तो पढ़ देते हैं। ओके ओके, आप पढ़ लीजिए उसके बाद में सर। इसमें लड़का कह रहा है, मैं आज स्मॉल टाउन सा फील कर रहा हूँ और मैं मेट्रो सी। लड़की कहती है, हाँ जब भी तुम साउथएक्स से गुजरती हो मैं करावल नगर सा महसूस करता हूँ। साउथएक्स दिल्ली का बड़ा हिप इलाका है और करावल नगर यमुना पार का इलाका है, वर्किंग क्लास इलाका है। मैं आज स्मॉल टाउन सा फील कर रहा हूँ और मैं मेट्रो सी। हाँ जब भी तुम साउथएक्स से गुजरती हो मैं करावल नगर सा महसूस करता हूँ। चुप करो, तुम पागल हो, दिल्ली में सब दिल्ली सा फील करते हैं। हमें लगता है ना कि दिल्ली में है तो सब दिल्ली हैं और कोई वैरायटी नहीं है। चुप करो, तुम पागल हो, दिल्ली में सब दिल्ली सा फील करते हैं। ऐसा नहीं है, दिल्ली में सब दिल्ली नहीं है। मैं आज स्मॉल टाउन सा फील कर रहा हूँ और मैं मेट्रो सी। हाँ जब भी तुम साउथएक्स से गुजरती हो मैं करावल नगर सा महसूस करता हूँ। चुप करो, तुम पागल हो, दिल्ली में सब दिल्ली सा फील करते हैं। ऐसा नहीं है, दिल्ली में सब दिल्ली नहीं है। जैसे हर किसी की आंखों में इश्क नहीं होता। अच्छा तुम्हें साउथएक्स कैसे हो गई? जैसे कि मैं करावल नगर हो गया। सही कहा तुमने, ये 12 पुला फ्लाईओवर ना होता तो साउथएक्स और सराय काले खां की दूरी कम ना होती। तुम मुझसे प्यार करते हो या शहर से? शहर से, क्योंकि मेरा शहर तुम हो। सर सर एक लास्ट सवाल। जी सर। सर, सर, सर आज जो चैनल्स पे लोग रिप्रेजेंटेटिव बन के बैठे हैं तो इनको जो लेके आके बिठाते हैं इसका क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि ये देखा गया, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। ये देखा गया है सर कि जो लोग बैठ रहे हैं कुछ लोग तो ऐसी नफरत की बातें करते हैं, कुछ लोग तो एक धर्म के खिलाफ सीधा सीधा माने कि इंसल्टिंग बात करते हैं कुछ लोग, तो ये जो इनका जो क्राइटेरिया है तो ये किस क्राइटेरिया पे आके बैठ रहे हैं? कोई क्राइटेरिया नहीं है। और हर टीवी चैनल के नीचे जब बताता है कि इफ यू हैव सम कंप्लेंट्स प्लीज कंप्लेंट टू ब्रॉडकास्टिंग सो एंड सो, तो इसका कोई, इसको कंप्लेंट करने के पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता सर? आपको क्या लगता है इस पे?
कभी कभी एक्शन होता है, मतलब आपको कहा जाता है कि आपने ये गलती की है, तो हम लोग कई बार बोल देते हैं वो जेन्युइन मिस्टेक्स है, लेकिन ये जो परसेप्शन जो है ना, जो एडिटोरियल वाला है, तो उसमें कोई तरीका नहीं है कि उसमें हस्तक्षेप करे। और अगर आप उनके प्रदर्शन को देखेंगे जो NBSA है, जो जहाँ भेजा जाता है, बहुत अच्छा तो नहीं है, क्योंकि बहुत से चैनल उनकी बातों को मानते भी नहीं हैं, कई बार कह देते हैं कि हम नहीं मानेंगे, तो वो कोई लागू नहीं है, पर उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। पर आप भेजते रहिए, तो कम से कम जो लोग मेरे खिलाफ़ भेजते हैं वो नोटिस तो आ जाता है, तो इससे पता चलता है कि जनता सतर्क है। तो चलिए, और कहीं और नहीं तो मेरे पर एक्सरसाइज कर लीजिए, पर प्रैक्टिस में रहिए लगातार। देखिए, सिस्टम इंस्टीट्यूशन की डिमांड अगर हम नहीं करेंगे ना, तो हम इसी तरह से हर चुनाव के बाद इसी मोड पर रहेंगे। किसी के जीतने हारने से हमें फर्क क्यों पड़ता है, पता है क्यों? क्योंकि सिस्टम पे हमारा ट्रस्ट नहीं है। हम छोटी छोटी बातों के लिए अपना ट्रस्ट किसी पार्टी में ट्रांसफर कर देते हैं। उसकी भी जान छोड़िए, उन लोगों को बहुमत मिला, उनको काम करने दीजिए, पर क्या करें, वो उनको सिस्टम बनाना चाहिए ना, जिससे हम अपना न्याय हम जाके सिस्टम से मांग लें। तो हर चीज़ का एक्सपेक्टेशन अगर हम उनके दरवाजे पर बैठेंगे, जिनका काम पॉलिसी बनाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो यही सब ओपिनियन मैनेज करने में हर कोई लगा रहेगा। तो बेहतर है कि जो बुनियादी काम है, आप सिस्टम की तरफ लौटिए और मांगिए व्यवस्था जो अच्छी हो, जो आपके हिसाब से हो, जो आपके लिए हो। नेता मिल जाएंगे, जो नेता हैं वो बहुत ख़राब नहीं हैं, अच्छे भी हैं, इतना भी बुरा हाल नहीं है हमारे राजनीतिक दलों का। लेकिन जब सिस्टम ही नहीं रहेगा, तो कोई भी अच्छा नेता वहां पहुंच के फेल ही करेगा, और अंत में अपने आप को फेल होने से बचाने के लिए वो सिस्टम को मैनिपुलेट करने लगेगा। तो आप ये डिमांड कीजिए कि आपका शहर का जो SP है वो पुलिस लॉ के हिसाब से निष्पक्ष रूप से काम करे, जो कलेक्टर है वो निष्पक्ष रूप से काम करे। उसका अगर पॉलिटिकल ट्रांसफर होता है तो आप चौकस रहिए, आप DM SP का साथ दीजिए। तो आप अगर सिस्टम का साथ नहीं, उनका भी साथ देना है, उनसे डिमांड भी करना है। तो अगर आप समझते हैं कि डेमोक्रेसी में नागरिक बनना, सिटीजन बनना इतना आसान है, तो भाई साहब इतना आसान नहीं है। वोटर बनना IIT के इम्तहान से ज़्यादा मुश्किल तैयारी है। बहुत लोग सोचते हैं ये फोकट का काम है, चले गए 80% में गिना गया, वोट दे के आ गया, फोटो आ गया, जी हमने लोकतंत्र के लिए वोट दिया है। ऐसा नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आप देखिए कि आपके नेता कितनी मेहनत करते हैं। हम अपने नेताओं का ऐसे मजाक उड़ा देते हैं, पर वो हमसे 10 गुना ब्रिलियंट प्राणी होते हैं वो, पर वो अच्छा होता है, वो सकारात्मक उनकी ऊर्जा उसमें लगती। तो थैंक यू वेरी मच रविश जी, यू विल मिस योर फ्लाइट नाउ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।